चलिए चलते हैं। आज हम लोग आर्डुइनो से एक मेलोडी का प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे हम लोग आर्डुइनो को एक प्रोग्रामिंग कर देंगे, जैसे तो 8 ओम वाला जो बाजड़ है उसमें अच्छा सा मेलोडी आएगा, डिफरेंट काइंड्स का मेलोडी। ये हमारा दिवाली में अच्छा, मतलब बच्चे लोगों का एक प्रोजेक्ट बन सकता है। आर्डुइनो के बारे में तो आपको सब कुछ पता है। मैं पहले वीडियो, अगर नहीं पता है तो आप मेरा पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो इससे स्टार्ट होता है कि आर्डुइनो मेलोडी। नाउ यू चेक आर्डुइनो मेलोडी के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। फर्स्ट तो हम लोगों को ज़रूरत है आर्डुइनो का बोर्ड, सेकेंड ज़रूरत है पीजो बजर, देन हुक अप वायर्स का कुछ ज़रूरत है, और आफ्टर ऑल मेरे को सर्किट का तो हम लोगों को सबका ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं क्या क्या ज़रूरत है। तो फर्स्ट हम लोगों को चाहिए एक आर्डुइनो बोर्ड। तो आर्डुइनो बोर्ड आप मार्केट से किसी भी जगह से आप परचेस कर सकते हो। ये हो गया आपका आर्डुइनो बोर्ड। इसको कुछ नहीं, नॉर्मली कंप्यूटर से आपको प्रोग्रामिंग कर देना है, बाद में इसके बजर के साथ कनेक्शन कर देना है। यहाँ पर दिमाग में रखना है कि हम लोगों का 8 नंबर जो पिन है, 8 नंबर पिन के साथ हम लोगों का प्लस पॉइंट कनेक्टेड होगा, मतलब बजर का, और जो बजर का जो माइनस पॉइंट है वो डिजिटल ए ग्राउंड में कनेक्टेड होगा। चले जाते हैं। इसके बाद क्या चाहिए हम लोगों को? इसके बाद हम लोगों को चाहिए पीजो बजर। ये पीजो बजर आप लोग सभी लोग देखे होंगे, ये पीजो बजर इजीली अवेलेबल है, मैक्सिमम 10 से 20 रुपीज़ प्राइस है मार्केट में। देन हम लोगों को और क्या चीज़ चाहिए? हम लोगों को चाहिए थोड़ा हुकअप वायर्स। हुकअप वायर्स जस्ट आर्डुइनो को अंदर में मतलब हुकिंग करने के लिए ये वायर का ज़रूरत पड़ता है। ये वायर भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। देन चले जाते हैं सर्किट डायग्राम। यू चेक द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। सर्किट डायग्राम में क्या है, पीजो का यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा गया है। जो पीजो का जो प्लस पॉइंट है, आप जो रेड कलर का वायर दिख रहा है, रेड कलर का वायर जाके 8 नंबर पॉइंट पे ज्वाइन होगा, और जो ब्लैक है वो माइनस पॉइंट है, ये माइनस पीजो का, ये जाके ग्राउंड में कनेक्टेड होगा। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे, क्योंकि प्रोग्रामिंग आर्डुइनो का मदर है। विदाउट प्रोग्रामिंग आर्डुइनो राम नहीं कर सकता। तो चलते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग अपलोड करते हैं आर्डुइनो में, वही देखते हैं फर्स्ट। ओके, अभी तो हम लोग चले आए हैं आर्डुइनो का प्रोग्रामिंग पे। आर्डुइनो ओपन कर दिया मैंने। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है मतलब बूटिंग करने को। आफ्टर बूटिंग ये ओपन हो जाएगा इसका सॉफ्टवेयर मेन विंडो। ये मेरा आर्डुइनो ओपन हो गया, आर्डुइनो आईडी ओपन हो गया। नाउ यहाँ से जाएंगे एग्जांपल में, एग्जांपल के बाद जाएंगे डिजिटल में। डिजिटल में यहाँ पर एक टोन मेलोडी करके प्रोग्रामिंग है, ऑलरेडी इनबिल्ट है प्रोग्रामिंग। मैं आज इनबिल्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है, इसमें फर्स्ट टोन पे जाना पड़ेगा, टोन का पैच फाइल पे जाना पड़ेगा, इसको अपलोड करना पड़ेगा। मैं अपलोड कर दिया मेरा मदरबोर्ड पे, ये अपलोड हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो बटन है, थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ रहा है वो। ये आप जब जब भी मतलब यहाँ पर मेलोडी का डिफरेंट टाइप का नोटेशन है, कोई भी नोटेशन दे के आप मेलोडी को डिफरेंट मेलोडी जनरेट कर सकते हैं। अभी आ गया है मतलब प्रोग्रामिंग पे, लूप पे। ये प्रोग्रामिंग जब आप आर्डुइनो पे चढ़ाएंगे तब ये क्या होगा, वहाँ से मेलोडी फेच करके ये डिफरेंट कलर टाइप का आपका साउंड सुनाएगा। ये जो है अभी मैं मतलब आर्डुइनो पे ये प्रोग्रामिंग फिर से अपलोड कर दिया। मतलब दो प्रोग्रामिंग है, एक पैच फाइल है, एक मेलोडी का लूप प्रोग्रामिंग है। तो दो प्रोग्रामिंग में आर्डुइनो पे अपलोड कर दिया। अभी देखिए ग्रीन कलर का बटन जा रहा है। हाँ, अभी अपलोड हो गया है। अपलोड हो जाने के बाद अभी आप लोगों को लेके चलते हैं हमारा हार्डवेयर पे। हार्डवेयर से आपको सब कुछ पता। ओके, अभी तो हम लोग आ गए हैं हार्डवेयर पे। ये हमारे पास हाथ में एक बजर है। ये बजर का दो लेग्स होता है, एक बड़ा लेग होता है, ये बड़ा लेग प्लस, और ये छोटा जो लेग है ये माइनस, मतलब इसमें ग्राउंड पे जाएगा। तो रेड कलर का जंपर है और एक ब्लैक कलर का। रेड कलर पॉजिटिव के लिए 8 नंबर पिन पे लगेगा, और जो ब्लैक है
वो हमारा ग्राउंड पे लगेगा, डिजिटल ग्राउंड पे ही छोटा सा ब्रेड बोर्ड है। ब्रेड बोर्ड में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं बजर को लगा रहा हूँ। बजर को सही ढंग से लगाना पड़ेगा, मतलब वो थोड़ा सा अंदर चला जाता है तो उसको देखना पड़ेगा पहले से। उसके बाद मैं रेड कलर का पिन को बजर का बड़ा लेग के साथ देख लेता हूँ कैसा है, उसके बाद बड़ा लेग के साथ मैं लगा दिया। देन चले आते हैं हमारा माइनस पे। माइनस को भी थोड़ा देख के लगाना पड़ेगा, दूसरा ट्रैक में चला जाएगा तो मुश्किल है, कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो लगा दिया, ऑलरेडी मेरा आर्डुइनो पे प्रोग्रामिंग में अपलोड कर चुका हूँ। तो अभी ये प्लस पॉइंट रेड कलर का जो है वो 8 नंबर पिन पे, डिजिटल पिन पे मैं लगा रहा हूँ। तो डिजिटल पिन पे लगा दिया, आइए चलते हैं। ब्लैक को ग्राउंड पे लगाना है, ग्राउंड पे लगा दिया। नाउ सिग्नल को देना है, तो ऑटोमेटिकली जब भी मैं सिग्नल को दूंगा तो यहाँ पर एक अच्छे से मेलोडी का साउंड आपको मिलेगा। तो ये मेलोडी आप चेंज भी कर सकते हो। अगर इस प्रोग्रामिंग को अच्छा लगा और आने वाला दिन में अच्छा वाला प्रोग्रामिंग जानना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।